शहर की रोहिणी कॉलोनी में पिछले एक हफ्ते से विद्युत आपूर्ति नहीं मिलने से महिलाओं में आक्रोश भड़क गया है। कॉलोनी की महिलाओं ने विद्युत निगम कार्यालय का घेराव कर पर निगम के जिम्मेदारों के खिलाफ जमकर आक्रोश व्यक्त किया है। महिलाओं के मुताबिक पिछले एक हफ्ते से कॉलोनी के लोग विद्युत आपूर्ति से जूझ रहे हैं। शहर के विद्युत निगम कार्यालय पर प्रदर्शनी करने पहुंची एक दर्जन से अधिक महिलाओं ने बताया कि रोहिणी कॉलोनी में पिछले एक हफ्ते से विद्युत सप्लाई नहीं दी जा रही है। हाई वोल्टेज होने के कारण घर में विद्युत उपकरणों का भारी नुकसान हुआ, लेकिन एक हफ्ते से सप्लाई पूरी तरह से बाधित हुई पड़ी है। बच्चों की पढ़ाई भी भारी असर पड़ रहा है। महिलाओं ने बताया कि समस्या को लेकर पूर्व में विद्युत निगम एवं जिला प्रशासन को शिकायत पत्र देकर अवगत करवा दिया था, लेकिन जिम्मेदार बेखबर बने हुए हैं। विद्युत आपूर्ति नहीं मिलने से रोहिणी कॉलोनी वासियों में प्रशासन विद्युत निगम के खिलाफ भारी आक्रोश देखा जा रहा है। महिलाओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि विद्युत निगम के अधिकारियों ने समय रहते रोहिणी कॉलेज वासियों को कॉलोनी वासियों को विद्युत सप्लाई नहीं दी तो जिम्मेदारों का घेराव कर आंदोलन किया जाएगा। पानी तो ना नंदा रही हो चुन गई माइक करे थे मेरा नाम बिट्टी है। मेरा लाइट नहीं आ रही है एक हफ्ते से, बहुत दिक्कत हो रही है पानी की, सब की बच्चा लोग पढ़ नहीं रहे हैं, लाइट है नहीं है, अंधेरा है तो कैसे जलेंगे पढ़ेंगे, बहुत दिक्कत हो रही है पानी की, सब चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है और अभी तो कोई सुनवाई हो नहीं रही है। आपके कौन से मोहल्ले में लाइट नहीं आ रही है? 7 दिन हो गए हमारी कॉलोनी में लाइट नहीं है और हाई वोल्टेज की वजह से हमारे उपकरण जल जाते हैं, हर तीसरे चौथे दिन की यही घटना। कोई ज़्यादा परेशानी है तो नहीं है सर? 7 दिन हो गए लाइट नहीं है, पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, बच्चों की पढ़ाई।